शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं आज अपने तोमर राजवंश के पांडवों का जो राज चिन्ह रहा है, तोमरों का जो राज चिन्ह रहा है, गौ बच्चा रक्षा का निशान, आज माँ गौ गाय माता के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके लिए जो हमारे राज चिन्ह में जो श्लोक कहे गए हैं, मैं उनका यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। इसमें उनको नमस्कार करने के मंत्र का केवल उच्चारण करूँगा, उनके नैवेद्य प्रदीक्षिणा के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने राजवंश के राज चिन्ह के यहाँ पर गौ मंत्र उनका उच्चारण कर रहे हैं। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एवच, नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतै स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरम्। पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य देव्यै नमो नमः। सर्वकामदुहे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनसुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। देवी तुभ्यं नमो नमः। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज हम यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के परमवीर योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत सम्राट तिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में यहाँ देवी पंचांगुली के मंत्र का उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस मंत्र में स्वतः ही वैसे तो आएगा कि क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। वैसे ये ज्योतिषियों के लिए या अस्त रेखाओं देखने वालों के लिए या सपने में संकेत प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो सर्वप्रथम देवी पंचांगुली का ध्यान मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम पंचांगुली महादेवी श्री श्री मंदर शासने अधिष्ठात्री करस्यासौ शक्ति श्री त्रिदशेशुतः। अब ये जप मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परशरी परशरी माता मयंगल वधीकरणी लोहमय दंडमणिनी चौसठ काम विहंडनी रण मध्ये राहुल मध्ये शत्रु मध्ये दीवान मध्ये भूत मध्ये पिशाच मध्ये प्रेत मध्ये झोटिना मध्ये डाकिनी मध्ये शंखिनी मध्ये यक्षिणी मध्ये दोषिणी मध्ये शकिनी मध्ये गुणी मध्ये गारुड़ी मध्ये विनारी मध्ये दोष मध्ये दोषाशरण मध्ये दुष्ट मध्ये घोर कष्ट मुझ ऊपरे बुरो जो करावे जड़े जड़ावे तत चिंत चितावे तस्माथे श्री माताशी पंचांगुली देवी तणो वज्र निधार
पड़े ओम ठा ठा स्वाहा। अब इस देवी के मंत्र का हम पुनः यहाँ उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परशरी परशरी माता मयंगल वधी करणी लोहमय दंड मणिनी चौसठ काम विहंडिनी रण मध्य राहुल मध्य शत्रु मध्य दीवान मध्य भूत मध्य पिशाच मध्य प्रेत मध्य ज्योतिंग मध्य डाकिनी मध्य शंखिनी मध्य यक्षिणी मध्य दोषिणी मध्य शक्नी मध्य गुणी मध्य गारुड़ी मध्य विनारी मध्य दोष मध्य दोषाशरण मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट मुझ पर ऊपर बुरोज करावे जड़े जड़ावे तत्चिंत चितावे तस्माथे श्री माता श्री पंचांगुली देवी तणु वज्र निर्धार पड़े ओम ठा ठा स्वाहा। ओम ठा 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 स्वाहा। ओम ठह 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 स्वाहा। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परशरी परशरी माता मयंगल वधी करणी लोमय दंड मणिनी चौसठ काम विहंडिनी रण मध्य राहुल मध्य शत्रु मध्य दीवान मध्य भूत मध्य पिशाच मध्य प्रेत मध्य ज्योतिंग मध्य टागिनी मध्य शंखिनी मध्य यक्षिणी मध्य दोषिणी मध्य शक्नी गुणी मध्य गारुणी मध्य विनारी मध्य दोष मध्य दोषाचरण मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट मुझ ऊपरे बुरोजु करावे जड़े जड़ावे चिंतय चितावे तस्मात श्री श्री माता श्री पंचांगुली देवी तणो वज्र निर्धार पड़े ओम ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ठ ठ ठ स्वाहा। ये देवी पंचांगुली का मंत्र है। तो इसका कार्तिक महीने में जब हस्त नक्षत्र प्रारंभ होता है उस दिन से साधना इसकी शुरू करना चाहिए और मार्गशीर्ष के हस्त नक्षत्र में ये साधना पूरी करनी चाहिए। तो ये उच्चारण मैंने कर दिया है, इसे आप लगातार बजाते रहें तो उच्चारण इसका अपने इस सीडी का, तो ये उसके बाद में आपको पूरा जब हो जाए तो पंचमेवा की 10 आहुतियों से यज्ञ में अग्नि में जो है हवन करें। इस प्रकार साधना से ये मंत्र अपने आप करामात दिखाने लगता है। देवी का चित्र तिपाई या चौकी पर रखकर उसके सामने बैठकर साधना करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र रूप आधार पर स्थित हाथ की पांचों उंगलियों की प्रतीक स्वरूप देवी का एक चित्र बनवा लेना चाहिए। शनि की यानी अर्थात मध्यमा उंगली के प्रथम पौर्वे के आधे भाग पर देवी का मुकुट सहित मस्तक होगा। उसके पीछे सूर्यमंडल होगा। देवी के 8 हाथ होंगे जिसमें दाहिनी तरफ पहला हाथ आशीर्वाद का हो, दूसरे हाथ में रस्सी, तीसरे हाथ में तलवार और चौथे हाथ में तीर हो, बाईं तरफ पहले हाथ में पुस्तक, दूसरे में घंटा, तीसरे में त्रिशूल और चौथे हाथ में धनुष हो, गले में आभूषण, ललाट में तिलक, कानों में कुंडल, कमर पर आभूषण व सुंदर वस्त्रों तथा पैर मणिबंध रेखा के नीचे तक आए। इस प्रकार देवी के चित्र का निर्माण करना चाहिए। तो जो हस्तरेखा और सामुद्रिक ज्ञान के विशेषज्ञ हैं उनको जानने वाला व्यक्ति यदि ये पंचांगुली देवी का साधना कर लेता है और इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो फिर रोज हाथ को इस मंत्र से 7 बार जो है उच्चारण करके उसे सर्वांग पर फेरे यानी पूरे शरीर पर फेरे तो किसी का भी फल बहुत अच्छी तरह बताने में समर्थ हो सकता है। और इसका कारण है कि पंचांगुली देवी हस्तरेखाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये भी इसमें विशेष बात यह है कि जो पाश्चात्य का विद्वान है कीरो वो भी इसी की साधना किया करता था। तो ये देवी पंचांगुली का मंत्र था और आप इसको बजाते रहेंगे तो वो उच्चारण ही माना जाएगा आपका और उसी से ही वो साधना सिद्ध हो जाएगी। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे।